नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से कुछ ही दूरी पर संत कबीर नगर का एक क्षेत्र है बघौली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बघौली क्षेत्र में क्यों हूं, दरअसल बात मैं आपको बाद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश में जाति जातिवाद, जाति का दंश और जाति के आधार पर असंख्य समस्याएं हमेशा से रही। जाति के नाम पर चाहे उत्पीड़न हो, चाहे हिंसा हो, चाहे शोषण हो, ये हमेशा से रहा है, किसी का छुपा हुआ नहीं है। नहीं जानते, ये एक शुद्र है। लेकिन जब से सोशल मीडिया चला है, आजकल जाति को लेकर अलग ही उत्पात मचाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी जाति ब्रांड है, तुम्हारी जाति ब्रांड है, रनवा का जाति ब्रांड है, घटनवा का जाति ब्रांड है, मतलब इस तरह के उत्पात किए जा रहे हैं। और इससे दो गुना उत्पात मचाने के लिए, ठीक है, भौकाल बनाने के लिए जाति सूचक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कोई राजपूताना बोर्ड लगा रहा है, कोई ब्राह्मण बोर्ड लगा रहा है, कोई यदुवंश बोर्ड लगा रहा है, लेकिन इन सब बोर्ड में एक बोर्ड काफी चर्चा में है। सच बता रहा हूँ, एक बोर्ड काफी चर्चा में है और वो बोर्ड है द ग्रेट चमार। यह द ग्रेट चमार वाला जो बोर्ड है वो काफी चर्चा में है और काफी ट्रेंडिंग में है। अब ट्रेंडिंग में रहे क्यों ना, क्योंकि इसका उत्पत्ति ही मुनि शंकर को मिलती है। इसका इतिहास में आपको बाद बताऊंगा, लेकिन मेरे सामने एक बोर्ड आपको दिख रहा है और बोर्ड पास में चलाइए। बोर्ड पर लिखा हुआ है दास ग्रेट चमार, दास ग्रेट चमार, उसके ऊपर लिखा हुआ है जय भीम जय संविधान, ठीक है, और दास ग्रेट चमार और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्राम बसा और नीति सभा स्वागत है, ये सब वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे क्यों किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ जो गांव है बगहा, वहाँ एक दुकानदार है, मैं इसे आपके दुकान पर बिजली कोई समस्या हुई है? हर जाति के लोग आते हैं, कोई आता है पूछता नहीं कि बोर्ड क्यों लगाया गया है? नहीं पूछते तो है नहीं। हमने यहाँ के जो दुकानदार है बगहा के, जहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, हमने उनसे बात किया, ठीक है, और बात किया तो वो बता रही हैं कि जब से बोर्ड लगा है अभी तो कोई समस्या नहीं आई है, हर जाति के लोग आते हैं, ठीक है। और तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो बोर्ड बता रहे हैं कि लगाए हैं, ठीक है, इधर आइए आप लोग। ये बोर्ड क्यों लगाए हैं आप लोग? यही लोग लगाए थे, लड़के लोग या आप लोग लगाए? हम लोग मतलब पेंट करके उसके बाद उसको लेके थे, स्वागत पहला आया था ना, उसके बाद हम लोग लेके थे। जाइए जाइए, थोड़ा उधर जाइए, खड़े रहिएगा, बोलिए। कोई नाम नहीं था, थोड़ा गया। मतलब जो लोग चाहते हैं कि हिंसा हो एक दूसरे में, उन लोगों ने बोर्ड को शायद तोड़ दिया था, ठीक है, तोड़ दिया था, हटा दिया था, या काली होंगे। उसके बाद लोगों ने मतलब उससे और मतलब गुस्सा में आता है, बड़ा बोर्ड लगा हम लोग सोचे अपना ही बहुत बहुत बुद्ध है। आप लोगों की पार्टी संगठन को तो पुत्र थे, इसीलिए हम माने कि भैया और किसी के दम तो नहीं है, क्योंकि यूपी में मायावती की सरकार 20 साल रही है, लेकिन कहीं ऐसा वोट देखने को नहीं मिला। हम समझ रहे थे कि यहाँ भीम आर्मी वाले ही होंगे जिनके अंदर इतना जिगरा हो सकता है, हिम्मत हो सकती है, बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता। फिर हम पूछना चाहते हैं, जब ये बोर्ड लगाया गया, ठीक है, तब किसी विरोध ने किया? विरोध से नीचे अच्छा विरोध थी, हाँ विरोध हुआ था, कितनी बार बैठक समिति आइए, पुलिस भी आए थी, बैठिंग भी हुई थी, कह रहे थे पहले बोर्ड हटा दो, हम लोग नहीं माने, बोर्ड नहीं हटा, नहीं हटाए। उसके बाद क्या, उसके बाद जब कह रहे मतलब उनका कुछ इतना काम रहा, उसके बाद कह रहे थे मुझे ही मिटा दो। ऊपर
गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उन लोगों ने बोर्ड नहीं लगाया, तो क्या ये बोर्ड लगाकर आप लोग को दबंग या माफिया साबित करना चाहते हैं? जय भीम जय संविधान, बस इतना ही लिखा गया था और उस बोर्ड को तोड़ दिया गया है। दरअसल ये पहली बार नहीं है, बाबा साहब को पहले भी हम बहुत सम्मान करते हैं और बाबा साहब को पहले भी तो उनके साथ संकट हुआ, अत्याचार हुआ वो सब जानते हैं। और जब से लोग उनके समाज के लोग जागरूक हुए हैं, अगर कहीं जय भीम लिखा गाड़ी पर मिल जाता है पुलिस वालों की जातिवाद मानसिकता सामने आ जाती है, पीटने लगते हैं, चालान काटते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति जय भीम का नारा लगा देता है तो कुछ जातिवादी लोग उसे पीट पीट कर मार डालते हैं, मतलब इस तरह की मानसिकता देखी जाती है। ठीक है, आप लोग एक वोट तो लगा दिए लेकिन मान लीजिए आजकल तो बहुत चल रहा है, आप लोग दलित ही तैसे भी बन गए अभी आर्मी के लोग। ठीक है, अगर किसी बीजेपी के लोग या कोई अन्य पार्टी के लिए कांग्रेस के लोग या कोई अगर ऐसा बात है कि अक्सर दलितों को पिटने का आरोप लगाया जाता है, झूठ तो नहीं कह रहे ना चाचा जी, अक्सर आरोप लगाया जाता है बिकने का, तो मान लीजिए अगर कोई आकर पैसा बांटता है या दलित आकर महासभा करती है बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप लोगों के पास हिम्मत है उनका सवाल कर पाएंगे कि जब हमारे बहन बेटियों के साथ दुराचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, हमारे भाई में हमारा जाता है, दलित समाज का गाली दी जाती है बारातों में, इस तरह से तब आप लोग क्यों नहीं आते, क्या आप लोग ऐसा सवाल उनको करना है? अगर लोग सवाल करेंगे तो क्या आप साथ देंगे? क्या आप लोगों का विरोध कर पाएंगे, काले झंडों में दिखा पाएंगे, स्याही फेंक पाएंगे, काले करना पाएंगे? हमें हाथरस में जब घटना हुई बात अगर आप लोग जानते होंगे, उसमें बीजेपी के कुछ मंत्री बोल रहे थे कि वो सब लड़के निर्दोष है, वही मतलब दोषी चलती है, काला झंडा दिखाएंगे, क्या इतनी हिम्मत है आप लोगों के अंदर? बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, थोड़ा अंकल एक चाचा जी है उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। चाचा पर कहा कौन जाति के पड़े थे? यादव, आप किसी बधान गाँव में रहते हैं? एक बोर्ड लगाया गया है, ठीक है, आप कोई आपत्ति है? नहीं, हमको कोई आपत्ति। आपने कभी आपके लोग कभी बोर्ड करते हमारा परिवार हमारा क्या दलित समाज को आप अपना समाज मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, अगर दलित माने तब तो दलित मानते ही नहीं, मतलब नहीं मानते हैं वो, तो मतलब रहेगा तब तक नहीं, मतलब रहेगा तब तक मतलब। हर जगह खबरें देखने को मिलती है, अक्सर जो यादव समाज के लोग हैं वो दलितों को मारते हैं, बसों की दशा भी देखने को मिली। नहीं, ये तो पुराने लोग हैं, ये तो पदर करते हैं, लेकिन लड़के क्या जाने, लड़के क्या जाने। तो आप लोग अपने मतलब नौ युवक जो लड़के हैं उनको बताते हैं कि देखो दलित समाज भी हमारा ही हिस्सा है, हमारा हिस्सा ही है, या दलित समाज के जो बुजुर्ग हैं वो मतलब अपने उनके खुदा बताएंगे कि हमारे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे समाज के लोग हैं। अपने लोगों को कोई बात अगर सीधी आई जाती है तो भीम तो हम लोगों का भी है, इन लोगों का भी है, इनसे तो सामान्य लोगों को ज्यादा भी है, तो भीम एक आदमी का नहीं है। भीम तो आपका भी है लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को देता हूँ, 99% ज्यादा समाज बाबा साहब की तस्वीरें नहीं होती है, सच्चाई। और लोग नहीं बोलते बाबा साहब की तो हमारे घर में लगने क्या बुरा होगा? हाँ, बात सही है, कोर्ट में लगा है, कोर्ट में लगा है, सच्चाई है, और सब स्वीकार भी करते हैं, अब तो पहले नहीं करते थे लेकिन अब मुझे लगता है कि यादव बाबा साहब लोग खाली बिरादरी की निकल के ज्यादा सब करते हैं लेकिन बाबा साहब सबके थे, बाबा साहब सबके, ये लोग बिरादरी समझ के अपने पीछे बोर्ड लगा दे कुछ करें। लेकिन आजकल जब भी देखो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तस्वीरें फाड़ दिए जाते हैं, जो फाड़ता हो बिल्कुल,
हम लोग तमाम लोग मानते हैं। आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल मानते हैं। संविधान हमारे देश में संविधान बनाने बहुत सारे क्या इसकी बात अगर हम अम्बेडकर जयंती मनाएंगे तो आप लोग मिलकर मनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मनाएंगे। लोग मनाते तो हर साल है। अब क्या उनको कोई आपत्ति नहीं है। कोई आगे बोला रहा था यादव ढाबा समार समार कहाँ रहे जागृत शमार लिखी है। यही तकलीफ हो सकती है। शमार तो भैया है लेकिन सुधार आ रही है। कोई अगर प्रयोग किया जाए तो बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? हम बता रहे हैं अगर आप आके आप उनका ना बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि आप आए अगर आप आई रहे। आपका टाइटल है यादव, ये चमार है, इनका टाइटल है जाटव। तो आप जाटव जी बुलाइए जैसे आपको यादव जी बुलाया जाता है। जितना माले अहिर लोग हैं उनको यादव जी बुलाया जाता है। अगर आप चमार हैं तो आपको जाटव जी बुलाया जाए। कोई आपत्ति? आपसे जाटव जी बुलाइए। जाट वो जाट है, एक जाटव है, इनका टाइटल है। बहुत सारे एरिया के हमारे यहाँ जो बुलाया जाता है। ठीक है, आपको इसका इतिहास बता देना चाहता हूँ। आपको इसका इतिहास बताए वो सबसे पहले कहाँ बताएंगे? और उस बोर्ड के द्वारा एक हिंसा भी हुई। तमाम दलितों के लिए तमाम हकों के पहचान गए थे। कुछ दलितों के भी मतलब जो घर द्वार है। तो मैं आपको जैसे यही बताना चाहता था, इतिहास तो पता ही हो गया होगा, ये बोर्ड जो है सहारनपुर के गढ़खौली में सबसे पहले लगाए गए थे। ठीक है, और उसके द्वारा उसके लगाने के बाद बोर्ड को ठाकुरों के द्वारा फिर उस बोर्ड को चंद्रशेखर आजाद जो लगाया गया। और उसके बाद जो है कि हिंसा हुई दलित और ठाकुरों के बीच में, जिसमें चंद्रशेखर को दोषी पाया गया कि मतलब उसने लोगों को भड़काया और हिंसा करवाई। उनको 18 महीने देश के सबसे बड़े जेल बिहार जेल में रखा गया था। एनएसए लगाकर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो आता है उसे लगाकर देश के सबसे बड़े जेल बिहार जेल में उनको 18 महीने बंद कर दिया गया था। 2019 की जब चुनाव आई तब बीजेपी ने माहौल को बिगड़ते देख उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन मैं अब दलित समाज से कहना चाहता हूँ कि चाहे वोट लगा लीजिए, चाहे जो जिंदा नारा लगा लीजिए, चाहे सबको उतार कर हल्ला खुल्ला कर लीजिए, इससे न दलित के ऊपर होने वाला शोषण रुकेगा, न अत्याचार रुकेगा, तो ये आपको हौसला बुलंद करना चाहिए। ठीक है, अपनी मालिक के